हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल की कढ़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 250 ग्राम चने की दाल, जिसे हमने रात में सोक करने के लिए रख दिया था। आप इसे सुबह भी बनाने से पहले 2 घंटे पहले भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे हमने खड़ी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है और यहाँ पे हमने लिया है 2 बारीक कटी हुई प्याज और यहाँ पे लिया है 2 से 3 मिर्ची कटी हुई। ये हरी वाली मिर्ची थी, थोड़ी सी लाल हो चुकी है। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच मेथी और 1/4 चम्मच हींग लिया है। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पे हमने देगी मिर्च ली है। आज की कढ़ी हम बनाने वाले हैं ये मसाले वाली खटाई से। तो सारे इंग्रेडिएंट एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं, फिर कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लहसुन और मिर्ची वाले पेस्ट में 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और रेड मिर्ची पाउडर इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है जार। अब हम 1/2 दाल इसमें पीसेंगे पकौड़ी के लिए। अब डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये मसाला बना के तैयार किया था, 2 चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तक पानी डाल करके इसे पीस लेंगे। इस दाल के पेस्ट को हमने थोड़ा सा स्मूथ पीसा है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम बचे हुए दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे बिना पानी डाले। ये वाली दाल भी हमारी पीस गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे दरदरा पीसा है। तो अब हम पकौड़ी की दाल के पेस्ट में सबसे पहले डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छी तरीके से हाथों से फेटेंगे। हम जितना इसे अच्छी तरीके से फेटेंगे पकौड़ियाँ हमारी उतने ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो अब जो हमने प्याज और मिर्ची काट के रखी थी उसे हम इस दाल के पेस्ट में डाल देंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने जो मसाले वाली खटाई ली थी उसका थोड़ा सा मसाला निकाल करके दाल में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये कढ़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए आप लोग भी इसे एक बार जरूर बनाना। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और मस्टर्ड ऑयल भी एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तल लेंगे पकौड़े। एक एक करके सारी पकौड़ी हम डाल लेंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी कढ़ी की रेसिपियां हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब पकौड़ियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल कम कर दिया है कढ़ाई में से। अब हम इसे में कढ़ी का छौंक लगाएंगे। तो हमने जो बारीक कटी प्याज रखी थी उसमें थोड़ी सी प्याज हमने बचा ली थी, हम उसे डाल देंगे और यहाँ पे हम मेथी और हींग डाल देंगे। प्याज अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें हल्दी और मिर्ची और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। तो मसाला अच्छी तरीके से भुन रहा है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर से हम इसे भुनेंगे। अब हम मसाले में डाल देंगे खटाई और इसे भी अच्छी तरीके से भुन लेंगे। इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद जो हमने दरदरी दाल पीसी थी उसमें पानी डाल के इसका घोल बना के हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो अभी हमने कढ़ी में नमक नहीं डाला है, जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कढ़ी बनाएं तो जब कढ़ी में अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तभी नमक डालें और कंटिन्यू चलाते रहें, वरना कढ़ी फट भी सकती है। तो इसमें उबाल आ चुका है और हमने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। अब फिर से हम इसको चलाएंगे और जो हमने पकौड़ी बना के रखी थी वो हम रसे में डाल देंगे। अब हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और कढ़ी को पकने देंगे। कम से कम हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। कढ़ी जितनी ही ज्यादा पकेगी उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो ये देखिए कढ़ी हमारी बन चुकी है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद अभी ये और ठीक हो जाएगी। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया है ऑयल। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच राई। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था इसलिए अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखी वाली रेड मिर्ची 2, साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे कलर वाली रेड मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम भी हमारा बंद है। अब हम इसमें लगाएंगे कढ़ी में तड़का।
तो तड़का आप धीमी आंच में ही लगाएं, वरना राई और मिर्ची जब जल जाती है तो स्वाद खराब हो जाता है। तो ये लीजिए, तड़का हमने कढ़ी में डाल दिया है और हमारा टेस्टी सा चने की दाल की कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कितनी ज्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनी है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे किसी सोडे वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है और फिर भी हमारा पकौड़ा एकदम सॉफ्ट बना है। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।